हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइस अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। सबका दिन बहुत ही बढ़िया सा है। इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आज पूरा दिन आपके पार्टनर आपके बारे में या आपके रिश्ते के बारे में क्या सोचेंगे, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस क्या होगा आपके लिए आज के दिन। आज के दिन आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे, तो चलिए चेक करते हैं। ऑल सेंस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सबके लिए है। ओके, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो। आज पूरा दिन आपके पार्टनर आपके बारे में या आपके रिश्ते के बारे में क्या सोचेंगे, क्या होगी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आज के दिन आपके लिए, क्या होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स। न्यू विजन, ब्रेक थ्रू, मास्टर, क्लींजिंग टू द पास्ट, यहां पर आया है रिपेल। ओके, आपके पार्टनर आज के दिन आपको आपके रिश्ते को एक अलग ही दृष्टिकोण से, एक अलग ही नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। आपके पर्सन ऐसा फील करेंगे कि अब वक्त आ गया है आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने का, कुछ करने का, इस रिश्ते के लिए कुछ करने का। हो सकता है गाइस, पहले आपके पर्सन बिल्कुल होपलेस, हेल्पलेस फील कर रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था, इस पर्सन ने आपसे कह ही दिया था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैं गिव अप कर रही हूँ, अब मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकती, मैं मूव ऑन कर रही हूँ, तुम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, इस पर्सन ने ऐसा कहा है आपसे। हो सकता है कॉन्टैक्ट तोड़ा इस पर्सन ने, आप दोनों के बीच सेपरेशन लाया, आप बहुत ज़्यादा हर्ट में रहे हो, ठीक है। इस पर्सन ने बिल्कुल आपको, आपसे बातचीत करना छोड़ ही दिया, आपको छोड़ ही दिया था इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा पेन में रहे हो, इस पर्सन के लिए आप तड़पे हो, काफ़ी ज़्यादा रोए हो, हो सकता है आज भी आप रो रहे हो कुछ रोक ले, आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, इस पर्सन ने आपको जाने अनजाने में काफ़ी हर्ट पहुँचाया है। आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन आपसे प्यार ही नहीं करते, इस पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतनी आसानी से इस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया, इतनी आसानी से इस पर्सन ने डिसीजन ले लिया कि आपसे मूव ऑन करना है, आपको छोड़ना है, और ये पर्सन छोड़कर चले गए, निकल लिया। आप काफ़ी दर्द में, पेन में रहे हो, इस पर्सन को आपने भूलने की हज़ार कोशिशें किया है, आपने चाहा मूव ऑन कर लूँ पर नहीं भूल पाए, इस पर्सन को अपने मन में, दिल दिमाग में आपने निकाल ही नहीं पाया। ओके, और अब आपकी एनर्जी ऐसा हो सकता है कि आपने डिसाइड किया है कि अब मुझे मूव ऑन करना है, बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं सहने वाली, मुझे इसको भूलना है, मुझे मूव ऑन करना मतलब करना ही है, मैंने अपनी तरफ से इस रिश्ते को 100% दिया है, इस पर्सन के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है, मैं कितना रोऊं तड़कूं इसके लिए, कितना इस पर्सन का मैं इंतज़ार करूं, कितना ये पर्सन मुझे जितना मर्जी चाहे हर्ट पहुँचाते हैं, और मैं हर्ट होता हूँ, तो अब मुझे हर्ट नहीं होना है, इस पेन से, इस दर्द से, उसकी यादों से अब मुझे निकलना है, मुझे मूव ऑन करना मतलब करना है। ये आपकी फीलिंग्स है। अगर ये आपकी फीलिंग्स है, कुछ दिनों से आप ऐसा सोच रहे हो, आपने डिसाइड किया है कि हाँ मुझे मूव ऑन करना है, तो बता देती हूँ अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ये पर्सन आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं इतने अचानक से? नहीं हो रहे हैं, आपके पर्सन हमेशा आपके बारे में खबर रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, भले आपसे कोसों दूर हैं, भले ये पर्सन कितनी मर्जी आपसे कहे कि ये पर्सन का कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, ये तो किसी और के साथ आगे बढ़ चुकी हैं, ये पर्सन आपको नहीं चाहते, पर ऐसे कैसे हो सकता है, जिस पर्सन के साथ इन्होंने इतना महीने साल गुजारा है, इतने आसानी से कैसे ये पर्सन आपको छोड़ सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप किस एनर्जी में हो, A to Z इस पर्सन को आपके बारे में खबर होती है। और अब ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो, अब आपने स्टार्ट किया है मूव ऑन करना, आपने स्टार्ट किया है खुश रहना, आपने स्टार्ट किया है लाइफ में आगे बढ़ना, आपने स्टार्ट किया है इस पर्सन को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना, और ये चीज आपके पर्सन में, ये पर्सन ऐसे हो गए हैं, ठीक है,
ये पर्सन नहीं चाहते आप कभी मूव ऑन करो, आप इनके लिए रोओगे तड़पोगे, ये चलेगा। ये चीज ये पर्सन भी करते हैं, एक तरह से आपके पर्सन चाहते हैं कि आप खुश रहो और दूसरी तरह से चाहते हैं कि आप किसी और के साथ बिल्कुल खुश ना रहो। खुश रहो आप अपने लाइफ में, पर इनके साथ रहो या इनके बिना रहो, पर किसी और के साथ नहीं। किसी और रोमांटिक पार्टनर तो चलेगा ही नहीं। तो आज के दिन आपके पार्टनर आपको देखेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, महसूस करेंगे आपको देखकर, आपकी एनर्जी को फील करके कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपने स्टार्ट किया है मूव ऑन करना। ये पर्सन सामने से ऐसे दिखाएंगे कि हाँ चलो ठीक है, अपने लाइफ में खुश रहे, हैप्पी रहे, सही ही है यार, पर अंदर से बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा क्या भी कहूँ मैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, जो पर्सन दिखाते हैं बाहर सेक्सुअल में वो होता नहीं है, वैसे आपके पार्टनर की एनर्जी है अंदर में। तो इस पर्सन का उधर उधर मची हुई है कि ये कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, कैसे मुझसे आगे बढ़ने ही नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकती, मैं ये मेरे ही हैं, चाहे मेरे साथ रहे चाहे मेरे बिना रहे, पर ये तो मेरे ही हैं। आपके पार्टनर काफ़ी दिनों से आपको एनालाइज कर रहे थे और आज आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर कहीं से निकल कर आपकी ओर बढ़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, आप इनके लिए हो, आपने इनको भूलने की कोशिश किया पर नहीं भूल पाए, इस पर्सन ने आपको भूलने की कोशिश किया नहीं भूल पाए, और जहाँ पर हैं ये पर्सन भी खुश नहीं है उस सिचुएशन में, और जो इनके साथ हैं वो भी खुश नहीं है इनको देखकर, ठीक है। नए पर्सन कुछ कर पाने अपने लाइफ में आपसे दूर होकर, तो इस पर्सन ने डिसाइड किया है आपकी ओर बढ़ना है। आप इनका प्यार हो, आप इनके लव हो और आपके साथ एक नई शुरुआत करना है। जहाँ पर पहले आपके पर्सन ने सोचा था आपसे मूव ऑन करना है, अब इस पर्सन की एनर्जी ऐसा है कि आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना है, आपके साथ जीना है, आपके साथ मरना है। इस तरह का थॉट्स इस पर्सन में आएगी आज के दिन, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटीज़ है आज के दिन आप दोनों के बीच होने का, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं आज के दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ है इनके बीच होने का, क्या कुछ हो सकता है आज के दिन इनके बीच। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हीरोफेंट। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या पॉसिबिलिटीज़ है इनके बीच होने का। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या पॉसिबिलिटीज है इनके बीच होने का, मुझे क्लियर कीजिए क्या कुछ हो सकता है आज के दिन इनके बीच। यहां पर मैं क्लियरली देख पा रही हूं, अगर ये पर्सन चीटर हैं, धोखेबाज हैं, इस पर्सन ने अपनी लाइफ का एक नई शुरुआत कर लिया है किसी और के साथ, शादी होने जा रही है यह हो क्या है, आई एम सो सॉरी गाइस, पर आप एक गलत पर्सन का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, जो पर्सन आपका रिस्पेक्ट नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, जो पर्सन आपका डिसरिस्पेक्ट करता है ये करती है, जो पर्सन आपको वैल्यूएबल मानते ही नहीं है, जो पर्सन आपके रहते हुए किसी और को देख रहे हैं, अगर ये है आपके पार्टनर की एनर्जी तो आप गलत जगह टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप मूव ऑन कीजिए, ये पर्सन आपको डिसअपॉइंटमेंट ही देंगे। ये पर्सन मुझे आपकी ओर आते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, पर जो आप चाहोगे इनसे, जो आपकी एनर्जी होगी इमोशनली मेंटली, आपको सेटिस्फाई करना नहीं करेंगे जो, ठीक है, सोशली मेंटली इमोशनली आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे ये पर्सन। ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट ही करेंगे, ना ही फाइनेंशियली, ओके। ये पर्सन आपको मेंटली इमोशनली काफ़ी मुझे टॉर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर्सन की एनर्जी से आना जाना, ऑन एंड ऑफ द सिचुएशन, फ्लर्टी नेचर, डिसलॉयल्टी, डिसऑनेस्टी, ये सब इस पर्सन की एनर्जी आपको हर्ट करेगी। तो अगर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसा है तो प्लीज मूव ऑन कीजिए, ये पर्सन राइट नहीं है आपके लिए। आप अपने राइट पार्टनर से जल्द ही मिलोगे, जल्द ही आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। उससे पहले आप अपने लाइफ का मास्टर बनोगे, आपको अपनी लाइफ का एक नई शुरुआत करना होगा, नई दृष्टिकोण से अपनी लाइफ को देखिए, शादी को देखिए, लव लाइफ को देखिए। हो सकता है अब आपका भरोसा टूट गया है रिश्ते पर, मैरिज पर, लव पर, आपको नए दृष्टिकोण से
जिंदगी को देखनी होगी, रिश्ते को देखना होगा। हर कोई धोखेबाज नहीं होते, हर कोई गलत नहीं होते। जब आप राइट हो तो आप एक राइट पार्टनर डिजर्व करते हो, और आपके जैसे हैं और भी हैं लोग। तो एक राइट पार्टनर का उस टाइम का वेट कीजिए, या मैं कहती हूँ लाइफ में आगे बढ़िए, तब तक फोकस कोई और चीज़ों पर कीजिए। ओके, कि आपका ड्रीम नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट बनो, हर तरह से इंडिपेंडेंट बनो। आप अपने लाइफ में कुछ करो, खुद के लिए कुछ करें, आप अपनी फैमिलीज के लिए, अपने मदर फादर ब्रदर सिस्टर, सबसे इम्पोर्टेंट खुद के लिए आप कुछ करें, इंडिपेंडेंट बने आप हर तरह से। तो अपने ड्रीम को फॉलो करें। ओके, आप अपने राइट पार्टनर से डेफिनेटली मिलने वाले हो, मिलोगे, जिनसे आपकी शादी होगी। वो पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं इन फ्यूचर, आप खुद काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन होने जा रहे हो, या हो तो और होने जा रहे हो, पर लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आप गलत पर्सन का वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो तो। ओके, और अगर आपके रिश्ते में लॉयल्टी ऑनेस्टी है, तो आज के दिन मैरिज का बातचीत चल सकता है। मैरिज, इंगेजमेंट, स्टेबिलिटी, रिश्ते को लेकर, सक्सेस को लेकर, रिश्ते के सक्सेस को लेकर आप दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। मिलकर आप दोनों बातचीत कर सकते हो, या तो आपके पार्टनर आपके लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ओके, क्योंकि आपके पर्सन ने सुना है आपके लिए रिश्ता आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, तो इनकी एनर्जी ऐसा है कोई और आपको चुरा कर ले जाए, आपका शादी कहीं और तय हो, उससे अच्छा आपका हाथ मांग लिया जाए, आपसे शादी कर लिया जाए। ये आपको खोना नहीं चाहते, ये कभी नहीं चाहते आपकी शादी किसी और से हो। ठीक है, तो इस पर्सन को सुनने में आ रहा है आपकी शादी किसी और से होने जा रही है, या इनसिक्योरिटी है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कोई और आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग भी रहा है आपके लिए या तो रिश्ता आ रहा है, या तो कोई पर्सन आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी खबर आपके पार्टनर को है। कैसे किसी और को आपकी लाइफ में आने देंगे? तो आज के दिन आपके पार्टनर शादी की बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, सक्सेस का बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके रिश्ते में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चेंजेस देखोगे, ओके, इस पर्सन में आप काफ़ी ज़्यादा बड़ी बदलाव देखोगे, तो ये पॉसिबिलिटीज है आप दोनों के बीच होने का। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको अपना खुद का प्राइवेट रीडिंग बुक करना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे।